नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर के विरोध करते हैं और मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट कीजिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग पेट्रोल डीजल का डकैत मोदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, इस हैशटैग पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, इतिहास गवाह है कि जब जब भाजपा सत्ता में आई है, प्याज महंगा और आंसू सस्ते हुए हैं, जीना महंगा और जान सस्ती हुई है। और वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, मोदी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है, हैशटैग पेट्रोल डीजल का डकैत मोदी। और वहीं एक अन्य यूजर का कहना है कि आज पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश पर धरना प्रदर्शन, जिसमें यहां पर जबरदस्त तरीके से बीकेयू के किसान नेताओं ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है और यहां पर केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया है। एक और अन्य यूजर की आप लोगों को राय बताते चलें, इस यूजर ने यहां पर ट्वीट किया हैशटैग पेट्रोल डीजल का डकैत मोदी और कहा है कि 50 का पेट्रोल 107 में और 300 की गैस 900 में, मोदी है तो मुमकिन है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल किया है और ट्रेंड हुआ है हैशटैग पेट्रोल डीजल का डकैत मोदी। आप लोग इस ट्रेंड के समर्थन में हैं या फिर नहीं, अपनी राय हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मंत्री बनते बनते रह गए सुशील मोदी तो तेज प्रताप बोले, कुर्ता पैजामा संभाल करके रखना, तेजस्वी के शपथ ग्रहण में आएगा जल्द ही काम। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को हुए फेरबदल में कई मंत्रियों के ओहदे में इजाफा किया गया, तो वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी गई। जिन नेताओं को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है उनमें से अधिकतर नए हैं। पीएम मोदी की टीम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी लिए जाने की चर्चा तो थी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में उनका नाम नहीं पुकारा गया, यानी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इस पर आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने चुटकी लेते हुए एक टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बिहार से शामिल होने वाले सभी नए मंत्रियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सुशील मोदी जी के लिए ढेर सारी सांत्वनाएं, छोटका मोदी जी नया कुर्ता पैजामा जो सिलवाए हैं उसको संभाल करके रखिए, जल्द ही तेजस्वी का शपथ ग्रहण होने वाला है, वहां पर दर्शक दीर्घा में एक कुर्सी आपके लिए भी रिजर्व रखा जाएगा जिसमें ये कुर्ता काम आएगा। ये यहां पर तंज कसा है तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद बोले, छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो कटवा दूंगा अपने कान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजियां आए दिन सुर्खियां बनती हैं। राजनीतिक दलों के दिग्गज कुछ ऐसा कह जाते हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय तो बनता ही है, इसके साथ ही आम लोगों के लिए भी चटकारे लेने का विषय बन जाता है। ऐसा ही एक बयान बीजेपी के पूर्व सांसद ने दिया है। आप लोगों को बताते चले, बस्तर में भाजपा के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप बीते बुधवार को बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां पर बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा है कि साल 2023 में अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वे अपना कान कटवा देंगे। और वहीं इसके जवाब में सांसद दीपक बैज ने कहा है कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इस वजह से कैबिनेट में इतना बड़ा फेरबदल करना पड़ गया है मोदी सरकार को। यह भी साफ हो गया है कि मोदी छत्तीसगढ़ को कितना तवज्जो देते हैं और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की मोदी सरकार में क्या हैसियत है। और वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद की नाक तो कट ही चुकी है, अब कान भी कट जाएंगे, ये यहां पर कांग्रेस के MP दीपक बैज ने तंज कसा है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और वहीं सपा के नेता बोले, स्मृति ईरानी और तमाम 9वीं फेल मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है और इसमें कई शिक्षित चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर IP सिंह ने तंज कसा है। IP सिंह ने ट्विटर के जरिए कहा है कि 7 सालों के बाद मोदी सरकार में शिक्षित मंत्री बनाए गए। यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए IP सिंह ने कहा है कि स्मृति ईरानी समेत मोदी सरकार के दर्जन भर मंत्री 9वीं कक्षा फेल हैं, उनको मंत्रिमंडल से आखिर बाहर क्यों नहीं किया गया।
दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के लगातार यहां पर बवाल देखने को मिलता रहता है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने, योगी मोदी नड्डा और शाह सबने की है वादा खिलाफी, गुस्से में है निषाद, सड़कों पर उतरेंगे, मंत्री नहीं बनाने पर संजय निषाद ने धमकाया है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब भाजपा का फोकस कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें यूपी के विधानसभा चुनाव में बढ़ना तय है। आप लोगों को बताते चलें, अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल को भी मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। हालांकि अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने से एनडीए के दूसरे सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भड़के हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी समेत योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और अमित शाह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संजय निषाद ने कहा है कि निषाद समाज और कार्यकर्ता बहुत ही गुस्से में है, कम सीटों पर पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल को जगह मिली और निषाद समाज का प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं रहा। ये लोग अलोकतांत्रिक ढंग से आरक्षण मांगते रहे हैं, निषाद समाज लंबे समय से आरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। आप लोगों को बताते चलें, संजय निषाद ने सड़क पर आने की धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं रहेगा तो हम रोड पर उतरने को पूरी तरीके से तैयार हैं। बीजेपी ने हमको धोखा दिया है, इनको विधानसभा चुनाव में सबक जरूर सिखाएंगे। ये तो यहां पर कहना है संजय निषाद का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा डिब्बे नहीं पूरी ट्रेन बदलने की जरूरत है। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है और वहीं उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है और अब वहीं विपक्षी पार्टियों ने मामले को लेकर के कटाच करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक कटाच अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट के जरिए किया है। उन्होंने सरकार को हर क्षेत्र में नाकाम बताया और नैतिक आधार खो देने की बात कही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से भाजपा सरकार ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि जरूरत केवल डिब्बे नहीं पूरी ट्रेन बदलने की है और वहीं उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भाजपा ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार यहां पर खो दिया है, देश प्रदेश में बदलाव की जबरदस्त लहर है। इसके साथ ही उन्होंने #हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा भी लिखा है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला भाजपा के ऊपर बोला है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने, मोहन भागवत से दिग्विजय सिंह का सवाल, कहा अगर हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है तो लव जिहाद कानून की क्या जरूरत है, फिर तो आप और ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। आप लोगों को बताते चले, अगले साल यूपी उत्तराखंड पंजाब समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने गंगा जमुनी तहजीब का मुद्दा उठा दिया। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम के डीएनए को एक बता दिया। इसके बाद से देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। मायावती ने यह कहा है कि मोहन भागवत का यह बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। इसके साथ ही अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भागवत पर हमला बोला है और उनसे डीएनए को लेकर के कई सवाल किए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून का क्या फायदा, लव जिहाद के खिलाफ कानून का क्या फायदा। तो इसका मतलब है कि मोहन भागवत और ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से दिग्विजय सिंह ने घेरा है आरएसएस और बीजेपी को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार ने किया है कैबिनेट में फेरबदल, तो वहीं बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिला है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने इस्तीफा दे दिया है। सौमित्र खान के इस्तीफे का अभी कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन सौमित्र खान पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर सीट से बीजेपी के सांसद हैं और उनको यहां पर पूरी उम्मीद थी कि वह भी मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा मोदी ने यहां पर नहीं किया है और जिसके चलते वह नाराज हो गए और अपना यहां पर इस्तीफा दे दिया है। देख सकते हैं कि यहां पर असंतोष पनपने लगा है बीजेपी के अंदर ही और कई नेता बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, आम आदमी की जेब और भी होगी ढीली, पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी पीएनजी गैस की बढ़ी हैं कीमतें। जी हां दोस्तों, देश में केवल पेट्रोल डीजल के ही दाम आसमान नहीं छू रहे हैं। इस बीच सीएनजी पीएनजी गैस के बढ़े हुए दामों ने भी आम आदमी के बजट को यहां पर बड़ा झटका दे दिया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत यहां पर 90 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी का दाम यहां पर 44 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के
₹45 के करीबन पहुंच गया है। देख सकते हैं आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।